गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हार्दिक शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के सेशन में। हम अपने सेशन में कवर करेंगे टॉप करंट अफेयर, देखेंगे हमारे आज की कंट्री और रिवाइज करेंगे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं हमारे आज की कंट्री जो कि है वियतनाम। वियतनाम आप जानते हैं एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, हनोई यहाँ के कैपिटल है, वियतनामीज जो यहाँ की नेशनल लैंग्वेज है, न्यूग्वेन फ्यू ट्रोंग जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है और न्यूग्वेन जुआन फ्यूक जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। दोनों के नाम सेम है, आप इसको आराम से याद रख सकते हैं। यहाँ की करेंसी की बात करें तो यहाँ की करेंसी है डोंग और ये जो है यहाँ का जो है फ्लैग है। अगर मैप में देखें दोस्तों तो वियतनाम जो है ये रहा, ये आप देखेंगे कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, तो ये सब जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। चलिए, ये तो थी हमारी आज की कंट्री। अब शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। सबसे पहले दोस्तों 8 नवंबर को पुरुषोत्तम लक्ष्मण पांडे जी का जो है दोस्तों बर्थडे था। ये एक बहुत ही अच्छे मराठी के राइटर और ह्यूमरिस्ट थे। 8 नवंबर 1919 में इनका मुंबई में जन्म हुआ था और 12 जून 2000 में इनका पुणे में निधन हुआ था। व्यक्ति यानी वाली पुलकित उर्ला सुला, ऐसी जो बुक्स हैं दोस्तों, नाम बड़ा डिफिकल्ट है, ऐसी बुक जो है इन्होंने लिखी है, काफी फेमस बुक रही है अपने समय की ये बुक मराठी में। और गूगल ने अपने डूडल के थ्रू जो है इनके 101 पे बर्थडे पर जो है डूडल से इन्हें ट्रिब्यूट दिया था। चलिए आगे देखें दोस्तों, तो अभी क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो है दोस्तों उसका नाम बदल दिया गया है और उसका नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज कर दिया गया है। आगे देखें दोस्तों, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने रो पैक्स टर्मिनल और रो पैक्स फेरी सर्विसेज जो है हजारिया और गोगा पे जो है उसको इनॉग्रेट किया है। ठीक है, ये जो रो पैक्स फेरी है, जो रो पैक्स फेरी वैसल है, इसका नाम रखा गया है वॉयज सिम्फनी। ये एक 3-डेक वेसल है और इसकी कैपेसिटी जो है वो है 30 ट्रक जो है एक साथ इसमें रख के जो है हजारिया से गोगा या गोगा से हजारिया दोस्तों ये आ सकते हैं। इसमें 1000 पैसेंजर कार्स आ सकती हैं इसके अपर डेक में और 500 पैसेंजर प्लस 34 क्रूज जो है इसमें एक साथ जो है ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये गुजरात के हजारिया से गोगा जो है वहां पे ये स्थित है और ये जो हजारिया गोगा है इन दोनों के बीच में आता है गुजरात का गल्फ ऑफ कंबत। तो इसमें जो है ये गल्फ ऑफ कंबत में जो है हजारिया से गोगा के बीच में ये रो पैक्स टर्मिनल जो है, माफ कीजिएगा, रो पैक्स फेरी जो है ये ट्रैवल करेगी। तो यहाँ से एक चीज और याद रखनी है अपन को कि गुजरात में जो है गल्फ ऑफ कंबत भी आता है जहां पे ये फेरी चलेगी। आगे देखें तो यूएसए में दोस्तों आप जानते हैं कि वहाँ पे इलेक्शन हुए थे और जो बिडेन जो है, जो डेमोक्रेटिक के जो है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बिडेन जो है वो जीत चुके हैं और वो यूएसए के 46th यूएस प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, और कमला हैरिस जो है वहाँ की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर जो है, माफ कीजिएगा, फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चुनी गई हैं। वहाँ पे जो उनका पूरा ये इलेक्शन होता है उसमें 538 सीट्स होती हैं और उसमें जीतने के लिए एटलीस्ट 270 इलेक्ट्रल वोट्स जो हैं होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे 538 मेंबर इलेक्ट्रल कॉलेजेस होते हैं और उसमें से 270 जो है विनिंग मार्जिन होता है। जो है कमला हैरिस है, आप इनके बारे में जानते होंगे कि इनके एंसेस्टर्स जो हैं, इनकी माँ जो है वो इंडिया को बिलोंग करती हैं और तमिलनाडु जो है उनका होम टाउन है। आगे देखें दोस्तों, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल है। हॉर्नबिल फेस्टिवल दोस्तों ये नागालैंड में जो है मनाया जाता है और इस साल इसे वर्चुअली मनाया जाएगा। ये एक वहाँ का ट्रेडिशनल विलेज है, माफ कीजिएगा, ट्रेडिशनल फेस्टिवल है जो कि हर साल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में जो है मनाया जाता है। और नागा वहाँ की जो एक नागा वहाँ पे नागा जाति के लोग रहते हैं उनके द्वारा जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है 1 से 10 तारीख के बीच में हर साल।
हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड। आगे देखें दोस्तों, तो इसरो ने अपना PSLV 649 जो है उसको लॉन्च कर दिया है, जिसमें इंडिया की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01 भी जो है थी, साथ ही में उसके साथ 9 कस्टमर सैटेलाइट जो है वो भी थी। ठीक है, तो ये जो कस्टमर सैटेलाइट थे अलग अलग ट्रेंड कंट्रीज की थी, और इसमें इंडिया की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-1 भी थी। आगे देखें दोस्तों, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा जी जो है उन्हें नया CIC इन्फॉर्म जो नया CIC जो है अपॉइंट कर दिया है, और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो है दोस्तों उन्होंने उन्हें ये ओथ दिलाई है, उन्होंने बिमल जुल्का जी को रिप्लेस करा है और वो इंडिया के 11th CIC जो है वो बने हैं। थोड़ा इसकी हिस्ट्री पे है दोस्तों, तो जो पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे वो थे वजाहत हबीबुल्ला, और जो फर्स्ट वुमेन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनी थी वो बनी थी दीपक संधू। ठीक है, दीपक संधू जो है वो पहली आरडी संधू साहब, इनका नाम याद रख लीजिएगा, याद रखना हो तो, जो फर्स्ट वुमेन CIC थी वो दीपक संधू थी, और जो फर्स्ट CIC बने थे इंडिया के वो थे वजाहत हबीबुल्ला। अभी जो दोस्तों इनका टेन्योर है वो 3 साल तक के लिए जो है अमेंड कर दिया गया है, तो इनका जो टेन्योर रहेगा वो यशवर्धन सिंह कुमार सिन्हा जी का वो 3 साल का रहेगा। आगे देखें दोस्तों, तो इंडिया की दोस्तों विदिशा मैत्री हैं, ये विदिशा मैत्री जी जो हैं ये यूनाइटेड नेशंस की एक एडवाइजरी कमेटी है जो कि बजट और एडमिनिस्ट्रेशन पर है, उसमें इन्हें अपॉइंट करा गया है। तो इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि इतनी इंपॉर्टेंट कमेटी के लिए जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव और बजटरी क्वेश्चंस से रिलेटेड कमेटी है, उसमें इंडिया की तरफ से विदिशा मैत्री जो है वो नॉमिनेट हुई है या अपॉइंट हुई है या इलेक्ट हुई है। यहाँ पे दोस्तों एक और चीज याद करने वाली है कि जो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस में वो हैं TS कृष्ण त्रिमूर्ति। इसी साल शुरुआत में जो है इनका अपॉइंटमेंट हुआ था TS त्रिमूर्ति। आगे देखिए दोस्तों, अगर यूनाइटेड नेशंस की अपन बात कर लें तो एंटोनियो गुटरेस जो हैं यहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। 24 अक्टूबर 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, और अभी यूनाइटेड नेशंस की 75th एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट की गई है 24 अक्टूबर को। आगे देखें दोस्तों, तो सिंगापुर में एक क्रूज जो है वो लॉन्च हुआ है, इस क्रूज का लॉन्च जो नाम जो है वो रखा गया है क्रूज टू नोवेयर, काफी बड़ा क्रूज है और जो है लॉन्च हुआ है ये। आगे देखें तो हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उसने 6.32 करोड़ रुपीस की सेंक्शन करे हैं 6 खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए। आप जानते हैं खेलो इंडिया मिशन के तहत स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जा रहे हैं, 6 कैंपसेस के लिए, 6 सेंटर्स के लिए अभी 67 करोड़ रुपीज जो हैं वो अभी सैंक्शन कर दिए गए हैं, और ये सेंटर्स जो होंगे वो आसाम, मेघालय, दमन एंड दीव, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और सिक्किम में, इन 6 जगहों पे जो है ये ओपन करे जा रहे हैं, बनाने का काम इनका शुरू हो चुका है। आगे देखें दोस्तों, तो इंडिया का लॉन्गेस्ट सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज जो है उसका इनॉग्रेशन हुआ है उत्तराखंड में। ये एक 725 मीटर लॉन्ग सस्पेंशन ब्रिज है जो कि डोबरा और चांदी को जो है कनेक्ट करेगा, उत्तराखंड की 2 जगह हैं डोबरा और चांदी, उसको जो है ये कनेक्ट करेगा, और ये जो है टेहरी लेक पे बना हुआ है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, इस सेशन में हमने आज की हमारे कंट्री कवर करी जो की थी वियतनाम, साथ ही में हमने आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो थे जो हमारे रह गए थे वो कवर करे। आई होप आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। दोस्तों सेशन कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू दोस्तों एंड हैव अ नाइस डे, और जाते जाते मैं ये कहूँगा अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हैं, तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, एंड हैव अ नाइस डे।